आज के बिजनेस की बात। रेडी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत मिलेगा लोन। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर इंडियन बैंक ने केंद्र की स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी वालों और हॉकर्स को सब्सिडी के पेमेंट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने रेडी पटरी और हॉकर्स को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पेश की है, जिसमें लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए ब्याज सहायता पेमेंट करने को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है। केंद्र मोदी सरकार वेंडर्स को आसानी से लोन दिलाने के लिए सभी बैंकों के साथ करार कर रही है। इसके लिए बैंकों के साथ पीएम स्वनिधि पोर्टल को जोड़ा जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना का मकसद उन लोगों को आजीविका पाने में मदद देना है जिनका रोजगार कोरोना वायरस के कारण ठप हो गया है। इस योजना का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के करीब 50 लाख लोगों को लाभ पहुँचाने का है। योजना के तहत विक्रेता 10,000 रूपए तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं। एक वर्ष में हर महीने किश्तों के जरिए ये कर्ज चुकाना होगा। 6 अक्टूबर तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20.50 लाख से अधिक कर्ज आवेदन मिले हैं, जिनमें से 7.85 लाख से अधिक मामलों में मंजूरी दी जा चुकी है और 2.40 लाख से अधिक मामलों में रकम दे दी गई है। आज से बदल गए म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नियम। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज की अच्छी खबर यह है कि बाजार नियामक सेबी ने सोमवार से म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देते हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री का समय बदलकर फिर से 3 बजे तक कर दिया है। यह नियम आज से यानी 20 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है। इससे निवेशकों को म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। गौरतलब बात यह है कि सेबी ने डेट म्यूचुअल फंड स्कीम और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को खरीदने और बेचने के समय में कोई बदलाव नहीं किया है। सेबी ने लिक्विड और ओवरनाइट फंड की खरीद और बिक्री के समय में कोई बदलाव नहीं किया है और ये पहले की तरह 12:30 से डेट तक चलेगा। डेट और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के लिए ये समय 1 बजे है। ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े नए कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के कारण हर साल से ज्यादा इस साल कंज्यूमर के पास फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करते वक्त ज्यादा अधिकार हैं। ई कॉमर्स शॉपिंग में ग्राहक के नए अधिकार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचे जाने वाले सामानों पर सामान किस देश से बना है ये लिखा होना जरूरी है। सेलर यानी विक्रेता से जुड़ी डिटेल में पता, टेलीफोन नंबर, रेटिंग की जानकारी होनी चाहिए। खराब जाली प्रोडक्ट सर्विस होने पर रिटर्न रिफंड प्रक्रिया जरूरी है। ऑर्डर कैंसिल करने पर कंज्यूमर को किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। शिकायत मिलने पर ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से 48 घंटे के भीतर एक्शन होना चाहिए। कंज्यूमर को शेड्यूल तारीख से देरी पर डिलीवरी होने पर प्रोडक्ट वापसी का अधिकार मिलेगा। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए 30 दिन में रिफंड की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। जानकारी ऐड हो, डिस्काउंट विक्रेता या ब्रांड दे रहे हैं, ना कि कॉमर्स पोर्टल। गलत प्रोडक्ट सर्विस से कोई नुकसान होता है, मुआवजे का दावा करने का अधिकार कंज्यूमर के पास होगा। शिकायत मिलने के 90 दिनों के भीतर निर्णय और निपटारा करना होगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।